हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। सो आज है फ्राइडे और अभी शाम का टाइम है और हम लोग अभी थोड़ा सा निकले हैं। टू डेज हम लोग टेंट पे रहने वाले हैं, हम लोग कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। बट इस बार थोड़ा सा कैंपिंग में ट्विस्ट है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग करने वाले हैं। बट हम लोग यहाँ पे बास रिवर फॉरेस्ट में जा रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर हम लोग मम्मी के साथ वहीं पे उस जगह पे हम लोग कैंपिंग करने के लिए गए थे। सो बहुत मज़ा मस्ती होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कॉमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी शाम का टाइम है, अभी बज रहे हैं 5:30 बज गया है। तो वहाँ पे पहुँचते अराउंड 8 o'clock बज जाएगा। रात शाम तो पूरा चला जाएगा जाते जाते ही, क्योंकि यहाँ से अराउंड 100 mile की दूरी पे है और पहुँचते पहुँचते 2 घंटा लग ही जाएगा ट्रैफिक, क्योंकि इस टाइम में ज़्यादा रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैडम लगा रही है अपना बिस्तर। तो हम लोगों ने फुटलॉक किया था और सब कोई अपने घर से कुछ ना कुछ खाना बना के लेके आए थे। तो मुझे फुटलॉक का जो ऑप्शन रहता है बहुत अच्छा लगता है। खाना दूसरे के हाथों से बना हुआ खाना अगर हम लोग मिलके खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सब ने बहुत कुछ बना के सब लेके आए थे तो और अच्छा लग रहा था। और सब फ्रेंड एक साथ 2 दिन 2 night स्पेंड करना तो और इंजॉयमेंट का चीज़ रहता है, स्पेशली बच्चे जो कि खेलते हैं। और अगर रात को एक साथ खाना पीना हो, सुबह को एक साथ उठना हो तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्पेशली बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे थे और उन्हें देख के हम लोगों का भी इंजॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ रहा था। तो बस अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और सबसे पहले तो टेंट लगा लेना तो बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि अंधेरे होने से पहले टेंट लग जाए। तो ये पूर्णिमा का रात था तो चांद भी बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। और हम लोग भी बस डिनर खा के 11-12 बजे तक बैठे रहे, उसके बाद फिर हम लोग भी सोने के लिए चले गए। तो हेलो दोस्तों, ये सुबह का टाइम है और बहुत सुंदर सुहावना मौसम है। वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो कल की वीडियो को आपको देख के पता ही चल गया होगा कि हम लोग कैंपिंग में आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा वेदर है, ठंडा है, जो कि आपको देख के पता चल रहा होगा। हम लोगों ने हुडी डाल ली है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ठंडा हो जाता है इस टाइम में। और अभी बाथरूम आई थी, बाथरूम भी बहुत अच्छा है। सो ये जो कैंप साइट है ना, बिल्कुल फुल है
और इस बार हम लोग फ्रेंड्स के साथ आए तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, फुल ऑन फ्रेंड्स, मस्ती, खाना पीना सब कुछ हो रहा है। तो अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा सा हम लोग वॉक करने के निकले के लिए निकलेंगे। सूर्य देवता निकल रहे हैं क्योंकि आज सनी सनी डे है और इस बार फुल मून दिखा था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मून का भी लाइट हमारी टेंट पे आ रहा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चलिए सुबह का अभी स्टार्टिंग है, देखते हैं और क्या क्या होता है। जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। Are you excited for today? Yes, I'm excited, super. चल चल आस। चल क्यों लो क्यों लो। सो सब ने मिलके बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके सब हम लोग आए थे, तो बच्चों लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अभी सब बच्चे उठ गए हैं तो अभी दूध वूध पी रहे हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। ब्रेकफास्ट का जिम्मा हस्बैंड लोगों ने लिया है और सब मिल बैठ के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। और चाय के लिए आपको दिख ही रहा होगा कप लग गया है। और सब हस्बैंड लोग ये सब कुकिंग करना तो बहुत पसंद करते हैं, तो आज उन लोगों को मौका मिल गया है तो सब एक साथ मिलके ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट पे बढ़ रहा है बर्गर, तो बस हम लोग ब्रेकफास्ट खाएंगे और उसके बाद आसपास में एक लेक है जहाँ पे कयाकिंग होता है, तो हम लोग भी वहाँ पे ही जाएंगे। और ब्रेड बस सेकना हो रहा है और हम लोग ब्लैक बीन्स बर्गर का वो पैटीज़ लेके आए हैं कॉस्को से, तो वही हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बस हमारे यहाँ पे ये छुटकी सी बेबी है जो कि अभी जस्ट सो के उठी है और बहुत खुश है। सारे के सारे बच्चे सब कोई बहुत खुश है, बहुत अच्छी अच्छा लग रहा है और इंजॉयमेंट हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो बस जल्दी से ब्रेकफास्ट हम लोग कर लेंगे अभी। हम लोग सब लेडीज़ ने सोचा कि एक बार एक्सप्लोर करते हैं। लास्ट टाइम तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, मम्मी भी थी और यहाँ से इसका जो व्यू रहता है लेक का ऑसम लगता है। और बस हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, साथ मिल के घूम रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। कॉलेज लाइफ का याद आ रहा था किस तरीके से हम लोग फ्रेंड्स साथ में मिल के घूमते हैं। तो कैंप में यहाँ पे एक ड्रायर भी रखा हुआ था, बाई चांस अगर आपके क्लोथ्स वगैरह ड्राई हो जाए तो आप ड्राई कर सकते हो। 45 मिनट्स के लिए आपको $1.50 लगेगा और कपड़े आपको सूखे हुए मिलेंगे, तो दैट्स अ गुड ऑप्शन। और यहाँ पे नहाने का भी अच्छा व्यवस्था था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा लाइन है और सुबह से हम लोगों ने, आप लोगों ने दिखा ही होगा कि ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने और अभी थोड़ा सा राउंड मारा, फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे जो लेक है बास रिवर लेक है, वहाँ पे कयाकिंग होता है। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने दिखाया था वो पार्क, उस जगह पे होता है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है, तो स्टे ट्यून विद मी। और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आर यू एंजॉयिंग? यस यस। अभी हम लोग जा रहे हैं कयाकिंग करने और ये क्या कैंपिंग की प्रो माता है, प्रो क्वीन दिशी। आजा आजा, कैसा लग रहा है मैडम? बोलो। अच्छा लग रहा है। अरे हाँ अच्छा लग रहा है, बोलो कैसा लग रहा है। I need my cap. जो जो डर रहा था, डर रहा था उसको कैसा लग रहा है? नेक्स्ट टाइम करोगे? यस ऑफ कोर्स।
हम लोग सब कैंप ग्राउंड वापस आ गए हैं क्योंकि लंच टाइम हो गया है और लंच में बन रहा है अभी खाना। तो हम लोग पराठों को गर्म करेंगे और थोड़ा सा बारबेक्यू करना तो बनता ही है क्योंकि इस चूल्हे में खाना बनाने से जो एक फ्लेवर आता है वो कहीं पे भी गैस में नहीं मिलता है। तो अभी हम लोग चिकन को थोड़ा सा बारबेक्यू कर रहे हैं और जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी वेजिटेबल और पनीर जो है बारबेक्यू हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे लंच और लंच खाने के बाद यहाँ पे देखिए बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अगर आप साथ में आओ ना इस तरीके कैंपिंग में तो बच्चे स्पेशली बहुत इंजॉय करते हैं, सब साथ में खेल रहे हैं और बिलीव कीजिए हमें देखना ही नहीं पड़ रहा है बच्चों को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है। और बस ये वेजिटेबल भी अभी थोड़ा सा बारबेक्यू करना है और उसके बाद हम लोग इस तरीके से खेल के और अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करके पार कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही कैंप ग्राउंड में बहुत बच्चे आए हैं, स्पेशली बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो अगर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलता है कैंपिंग करने का तो ज़रूर एक बार करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग तो यही फ़न मस्ती कर रहे हैं और अभी अनिरुद्ध को मैं थोड़ा सा लेके आई थी बाथरूम में और बस वो भी जा रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस अभी रात का टाइम है, खाना वाना फिर से बन रहा है, बस हम लोग डिनर भी कर लेंगे। सो फाइनली अभी रात का टाइम है और सब कोई हम लोग सो रहे हैं और ये जो टू नाइट का कैंपिंग है ख़त्म होने जा रहा है, बट इन्जॉयमेंट बहुत अच्छा से हुआ। और अब कितना 11 बज रहा है, बस सोने के लिए जा रहे हैं, खाना पीना हो गया, सब क्लीन विलीन हो गया, तो बस अभी सोने के लिए जा रहे हैं। अनिरुद्ध टोटली थक चुका है, सोने के लिए आ चुका है। तो चलिए फिर वीडियो एंड करते हैं, होप करती हूँ कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। सो अगर एंजॉय किया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, सी माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।